नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपको बताती हूँ कि छोटे बच्चे की चुन्नट वाली टोपी किस तरह से बना सकते हैं, और वो भी बचे हुए, जैसे अगर आप सूट पहनती हैं तो आप उस टोप बचे हुए कपड़े से वो टोपी किस तरीके से बना सकती हैं। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि वो वाली टोपी, चुन्नट वाली टोपी कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये टोपी सबसे अच्छी होती है। इस टोपी में क्या खासियत होती है कि ये सिर को गर्म भी रखती है, और जो ऊनी टोपी होती है वो उसमें क्या दिक्कत आती है कि वो उससे पसीना हो जाता है और बच्चे को इचिंग होने लगती है और बच्चा बेचारा परेशान हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये लंबाई लेंगे 12 और इधर से ये लेंगे 9.5, ठीक है। लंबाई ये लंबाई में ये लेंगे 12 और ये 9.5, ठीक है। अब देखिए हम किस तरीके से इसको करते हैं। ये हम दो कलर की बनाएंगे कि आगे वाला जो पट्टी आएगी वो प्लेन आएगी, और आगे वाली पट्टी प्लेन आएगी और ये बीच का पोर्शन रहेगा। ये हम दो कलर की बनाएंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 इंच का ये इस तरीके से पहले इसका कट लगाते हैं, ठीक है। आप ये देखिए कि हमने 2 इंच का कट किस तरीके से लगाया है। अब हमको क्या करना है कि यहाँ से इस तरीके से आप मेरे हाथ को देखते रहिए कि मैं किस तरीके से निशान लगा रही हूँ। अब हमको यहाँ से क्या करना है, इस तरीके से देखिए ये अब हमको ऐसा गोल मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये सेंटर में निशान एक कट लगा देंगे, ठीक है। कट लगा देने से अब हमको क्या करना है कि जो ये पट्टी हमने काटी थी, हम या तो अगर आपके पास अदर कपड़ा नहीं हो तो हम इसी को लगा सकते हैं, लेकिन मैं डबल कलर की बना रही हूँ इसलिए मैं इस पट्टी में दूसरे कलर का, जो मेरी सलवार में से कपड़ा बचा था मैं उस कपड़े का बना रही हूँ। अब आप इसमें क्या करिए कि देखिए इस पट्टी का आप देखिए, जैसे मैंने ये कपड़ा जो काटा था हमको इसी के, हमने इसमें से ये कपड़ा काट करके अलग किया है, ठीक है। अब हमको इसी की नाप से हमको ये पट्टी ले लेनी है। देखिए इसी नाप से हमने ये पट्टी ले ली है। ये पट्टी हमारी थी 2 इंच की, ठीक है, लेकिन हमने मार्जिन का रख करके अंदर फोल्ड का होने के कारण हमने इसमें ये 2.5 इंच का ले लिया है कि हमारी पट्टी 2.5 इंच की। अब इसमें भी हम बीच में इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब देखिए अब हम सिलाई स्टार्ट करते हैं। पहले हम बीच में एक बार इस तरीके से, अब हमको इस तरीके से धीरे धीरे करके चुन्नटे इस हिसाब से भरनी है कि ये इतने कपड़े में ये पूरी सलवटे आ जाएं। देखिए हम किस तरीके से हम ये सावधानी पूर्वक छोटी छोटी प्लेटें डाल रहे हैं। अगर आपको हाथ से डालने में दिक्कत आती है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम ये
पिन की सहायता से भी इसको डाल लेंगे। देखिए ये हमने छोटी छोटी प्लेटें डाल दी है। हमारे पास ज्यादा कपड़ा नहीं था इसलिए हमने इसको छोटी छोटी फ्रिल्स में डिवाइड कर दिया है। अब देखिए फिर हमको यही तरीका वापस प्लेटें हमको एक ही दिशा में डालनी है ताकि एक ही तरह देखने में वो सही लगे। ये टोपी जो हम बना रहे हैं ये न्यू बॉर्न बेबी से लेकर के और ये आप बच्चा जब तक 5 साल का हो जाए तब तक भी आप ये टोपी उसको पहना सकते हैं। ये टोपी बहुत अच्छी होती है और इसमें बच्चे को परेशानी भी नहीं आती है और ये सूती होने की वजह से गर्म होती है। देखिए ये किस तरीके से इसको कर लिया है। ठीक है अब हम क्या करेंगे कि हम इसको इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है तो आप ये टोपी जैसे आपके पास कपड़ा बचा हुआ है सूती कपड़ा है सर्दी के दिन है तो आप ये टोपी किसी को बना करके भी जिनके घर में छोटा बच्चा हो आप उनको भी अपनी तरफ से दे सकते हैं क्योंकि बहुत सारी महिलाएं सर्दी के समय बहुत परेशान होती हैं। आपने देखा होगा हर महिला पूछती रहती है कि कोई टोपी बनाना जानता है क्या। तो अगर आपको आती है और आपके पास बचा हुआ कपड़ा है तो आप इस तरह से टोपी बना करके भी किसी को गिफ्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से। इस तरीके से इसमें लग रही है ना दोस्तों सुंदर। ये छोटे बच्चे के हिसाब से बहुत सुंदर टोपी है। अगर हम इसको एक सिलाई और मजबूती से लगा देते हैं दोस्तों देखिए किस तरीके से हमारी टोपी शेप लेने लग गई है। अब हम क्या करेंगे अब हमको इसमें नीचे की पट्टी लगानी है। ठीक है अब इस पट्टी को पहले हम इसको इस तरीके से बराबर लेते हैं। बराबर लेने के बाद इस जगह हम एक मार्क हल्का सा कट लगा देते हैं। कट लगाने के बाद अब हमको क्या करना है जैसे ये कट हमने लगा दिया है अब इसको इस तरीके से यहाँ रख करके हमको एक हल्का सा कट यहाँ लगाना है और इसी तरीके से सेम इस तरह इस जगह भी हमको ये कट इस तरीके से लगाना है। दोस्तों आपको मेरा वीडियो जरूर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप इसको एक दो बार और चला करके देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमको क्या करना है इस तरीके से सेंटर में हमको इसको रख के देखिए ये हमने इनको इस तरीके से इसको सेंटर में रख देना है बिल्कुल बराबर से सेंटर में रख के हल्का सा यहाँ इसको दबा दें ताकि ये इधर उधर भागे। अब देखिए जब हमने जो इसे इस तरीके से बराबर से लेकर के जो ये डॉट लगाया था इस जगह हमको एक हल्की सी चुन्नट भरनी है ताकि नीचे का हिस्सा क्योंकि बच्चे के गले के पास से जाकर के वो हिस्सा थोड़ा पतला हो जाता है। आगे का बच्चे का फोरहेड चौड़ा होता है बड़ा होता है लेकिन पीछे की तरफ गले के पास से अगर ये फिटिंग नहीं रहेगा तो ठीक नहीं बैठेगा। तो इस तरीके से हमको ये चुन्नट तरीके से हमने इसको कर दिया है। अब हम मैं आपको आगे का प्रोसेस अब आप इसको बिल्कुल बराबर से नाप लीजिए और इस जगह से डोरी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम आपको क्या करना है कि यहाँ से इस तरीके से आप इसको मोड़ते हुए चलिए
आप देख रहे होंगे कि मैं किस तरीके से ये टोपी जो हम बना रहे हैं, ये मेरे गर्म सूट में से जो कपड़ा बचा था मैं उसकी टोपी ये बना करके मैं किसी छोटे बच्चे, जिनके पास छोटा बच्चा है, मैं ये टोपी उनको अपनी तरफ से देने की कोशिश करूंगी। देखिए हमने थोड़ी सी सिलाई ज्यादा लगा दी है, हल्की सी सिलाई ज्यादा लगा दी है, ये हमको इसके बराबर देख करके। और इसके अंदर दबा करके चलना है। ये बिल्कुल बराबर आ जाएगी। यहां आप इसको इस तरीके से अंदर घुसा दीजिए। देखिए मैं अब इस तरह, इस जगह आपको गौर से देखना है कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। अब इसके बीच में इसको आप इसको ऐसे सेट कर देंगे। चलिए मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। देखिए किस तरीके से हम ये बनाते हुए चल रहे हैं। और आपको ये बीच बीच में जो ये फालतू धागे हैं ये आप इनको काट दीजिए। इससे काटने से क्या होगा कि आपकी जो सिलाई होती है वो बहुत सुंदर दिखती है। किस तरह से मैंने झटपट ये बच्चे के लिए टोपी बना दी है। ये लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सावधानी पूर्वक हम दबाते हुए चले ताकि बनने के बाद ये निकले ना। थोड़ा सा पेशेंस अगर आप रख करके बनाएंगी तो ये बिल्कुल सही बनेगी। और आप थोड़ा सा यहाँ पर और देखिए, आप चाहें तो आप डोरी और भी पतली बना सकती हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी डोरी मोटी बनाई है ताकि बांधने में सुविधा रहे और डोरी उलझे नहीं। इस तरीके से हम ये देखिए, इस तरीके से हमारी ये टोपी छोटे बच्चे की। और ज्यादा आप क्या कर सकती हैं, थोड़ा सा ठीक इसी लगे, इसके लिए हमको क्या करना है, इस तरीके से काट करके हमको किनारे पर लेकर दूसरी तरह की लटकन बनानी हो आपको, ये अगर बच्चे को और ज्यादा अच्छे, टोपे को और ज्यादा अच्छा दिखाना है तो मैंने पिछली वीडियो में भी लटकन बनाना सिखाया था, आप उसमें से भी देख करके और दूसरे तरीके की लटकन बना सकते हैं। ये नॉर्मली है, ये बहुत सादे तरीके की लटकन है, इसको आप इस तरीके से बना लीजिए। ये दूसरे
दूसरा हिस्सा है, देखिए दूसरा हिस्सा है, आपके लिए थोड़े थोड़े समय पर कुछ कुछ चीजें जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं और हम कोशिश करें कि हम खुद ही बनाएं, वैसे वीडियो लाती रहूंगी अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो। धन्यवाद। आप देखिए ये टोपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। धन्यवाद मेरा वीडियो।